तो फिर हमने लगा लेना है नेल पेंट। तो ये हो गया पार्लर जैसी आपके घर में हाथों बहुत की ही इजी मसाज। है। तो चले मैं आपको सिखाती हूँ कि घर में कैसे मसाज की जाती है एंड अपने नेल्स कैसे बढ़ाए जाते हैं। ये देखिए मैंने नेल पेंट लगा लिया है, तो चले देखते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि घर में ही कैसे पार्लर जैसा निखार अपने हाथों पर भी लाया जा सकता है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है अपने नेल्स बढ़ाने के लिए, अपने हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या सिंपल करना। चाहिए। स्वीट से ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और आपकी थोड़ी सी बचत भी करने वाले हैं। ये देखिए घर में पार्लर जैसी मसाज, चलें स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 111111। तो आज आप सोचोगे कि दी आज ये क्या लेके बैठे हैं। एक्चुअली मेरे को काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आपके नेल्स बहुत सुंदर हैं और आप कैसे केयर करते हो, आप तो आर्टिफिशियल भी नहीं लगाते हो, हमें आर्टिफिशियल नेल्स लगाने पड़ते हैं। तो बताइए आपके नेल्स कैसे बढ़ते हैं और आप उसके लिए क्या करते हो। तो पहले तो मैं इतने एफर्ट्स नहीं करती हूँ, हाँ बस ध्यान ज़रूर रखती हूँ क्योंकि ये देखो कुछ नेल्स टूट भी गए हैं एंड ये टूटे हैं कि जैसे दिवाली के कारण घर में सफाइयाँ चल रही थी तो इधर उधर हाथ बज गया कोई चीज़ उठाते हुए, तो ये मेरे नेल्स टूट गए, राइट। लेकिन ये बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी, जैसे ये भी टूटा था ये भी बढ़ गया है। तो आज आपको मैं एक सिंपल सी रेमेडी बताने वाली हूँ या सिंपल सा नुस्खा बताने वाली हूँ कि आप घर में अपने नेल्स कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो आर्टिफिशियल नेल होते हैं उनके लिए ये सब कट किया जाता है, फिर इनके ऊपर वो रेगमार लगाते हैं, घिसते हैं नेल्स को और फिर उसके ऊपर आर्टिफिशियल नेल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ऐसे ही किया जाता है, तो वो मुझे आर्टिफिशियल चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मेरे को जो मेरे से जो भी होता है मैं घर में ही सब कुछ करती हूँ। तो चलें आज आपको मैं एक तरीका बताती हूँ कि नेल घर में कैसे बढ़ाए जाते हैं और उसके लिए आपको क्या करना सबसे है। पहले क्या करना है, देखो जी नेल पेंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, अभी तो मैंने ये थोड़े से ही रखे हैं, तो मेरे को ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं 5,000 का नेल पेंट लगाऊं या 10,000 का या 500 का या 20 का, मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। इसमें कोई 20 का है, कोई 150 की है, कोई 200 की है, ठीक है। मैं ये नहीं सोचती हूँ, मुझे जो कलर अच्छा लगता है ना, जहाँ से भी मुझे अच्छा लगता है, तो कई बार कलर जो होते हैं कि हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो मैं जो भी अच्छा लगता है मैं उसको ले लेती हूँ। तो पहले तो हम इसको हटा देते हैं साइड साइड। पे। आपने क्या करना है, ये आपने करना है रात को सोने से पहले डेली करना है, ठीक है। नेल पेंट लगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो आपको पहले तो ये रिंग्स आपने रिमूव कर नहीं देने उतार हैं। सकती, ओके। तो हम करेंगे पहले नेल पेंट को रिमूव कर देंगे, ये जो लगी हुई है ना इसको हम रिमूव कर देंगे। आप कोई भी ले सकते हो, नेल रिमूवर ले सकते हो या ऐसी पता नहीं ये किसने मुझे गिफ्ट किया था, मेगा मैट का है, तो इसका आप इसको ऐसे, ये मैंने ना कल यूज़ कर रही थी तो वो वही रह गया, तो मैं फेंकती नहीं हूँ इतनी जल्दी चीज़ें, अच्छे से यूज़ करती हूँ फिर उसको। ये देखो आपने नेल को ऐसे, हर नेल को आपने अच्छे तो से, एक ये तो साथ साफ़ हो गई है, ठीक है। अब इधर से भी मैंने कर लिया, नहीं तो एक एक करती तो अब वीडियो लंबी हो जानी थी। देखो शो ऑफ नहीं मैं करती हूँ, ठीक है, मुझे शो ऑफ से बड़ी चिढ़ मचती है, तो मैं बहुत सिंपल सी हूँ, तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि चाहे आप 20 रुपये किलो 50 रुपये किलो ये मायने नहीं करते हैं, बचत करनी चाहिए जितने हो सके। अब आप कहोगे कि दी आपने ये यूज़ किया हुआ था, हाँ तो इसमें है अभी, तो हम इसको यूज़ कर ये सकते हो हैं। गया है नेल पेंट रिमूव। अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और फिर बताते हैं कि हमें इसके आगे क्या करना है। ये मैंने हाथ धो लिए हैं। आपने ऐसा पिंक कलर का नैपकिन रखना है अपने पास एंड अगर आप फेस भी वॉश करते हो तो आपने पिंक कलर के नैपकिन के साथ अपने फेस को डैप डैप करके साफ़ करना है। ये जो पिंक कलर होता है ना ये बहुत पॉजिटिव होता है एंड आपके स्किन पे एक ग्लो लेके आता है, ठीक है। ये हो गए हैं ना साफ़, राइट, अब हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे क्रीम, ये आपने रात को करना है, डेली कर सकते हो नो प्रॉब्लम, डेली करोगे तो आपके नेल्स जल्दी बढ़ेंगे। कोई भी क्रीम ले लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने ये ली है।
इसको ले लिया है तो अब हम इससे करेंगे मसाज। अब हम इसको, मैंने तो अभी बहुत कम ली है, इस पर हम लगाएंगे अपनी स्किन पे पहले। ठीक है, अच्छे से आपने ये रिंग्स अगर आपने डाली हैं, ये मैं नहीं उतार सकती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से करती हूँ। ठीक है, ये हमने लगा ली है हाथों पे, यहाँ पे लगी रहने दीजिए। ओके, अब हम थोड़ी सी और लेंगे नेल्स के लिए। ठीक है जी, नेल्स पे तो लगा हम लेंगे। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, एंड जो बॉयज़ भी देख रहे हैं तो देख लीजिए, आपको ऐसी सेवा करनी है अपने पार्टनर की। तो आपने अच्छे से सर्कल मूवमेंट में इसको ऐसे मसाज करनी है, इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ये तो मैं अभी फटाफट आपको करके बता रही हूँ। 9 टाइम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 टाइम आता है, 9 नंबर आता है, वो कोरियंस होते हैं ना, जिनकी स्किन कितनी ब्यूटीफुल सी होती है, उनके लिए ये ब्यूटी को लेकर एक लकी नंबर है। तो 9 टाइम आपने सर्कुल, इसको सर्कल मोमेंट में इसको गोल गोल घुमाना तो है। अब हमने कर लिया है सब तरफ, अब हमने सब तरफ लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये नेल्स है ना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये जो स्किन होती है, जो वो आई थिंक नेल फाइलर से करते हैं, आई डोंट नो, मैं बहुत कम पार्लर जाती हूँ, तो इसको आपने अपने हाथों से ऐसे जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको पीछे कर देना है। राइट, आई होप आपको दिख रहा है। ये देखो, ये नेल लंबा हो गया ना, ये यहाँ पे ऐसा है। अब हम जब इसको इसको पीछे करेंगे तो आपको स्किन पीछे होती हुई दिखेगी। राइट, ऐसे ही आपने हर नेल पे ऐसे कर लेना है। ठीक है, मसाज करने के बाद आपने ये जो स्किन है इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जोर नहीं लगाना है, बहुत सॉफ्टली आपने इसको करना है। अब आपने ऐसे मसाज करनी है फिर से 9 टाइम पीछे की तरफ, कि ये अच्छे से पीछे हो जाए। राइट, ये हो गया। अब हम लेंगे नेल फाइलर। राइट, तो हम थोड़े थोड़े अपने नेल फाइल कर लेंगे। ये देखो ऐसे हम, मैं तो भाई खुद ही करती हूँ। अब मुझे हो सकता है कि आप बोलो कि ये क्या कंजूसी है, ये कंजूसी नहीं है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, तो रात को थोड़ा सा जो टाइम होता है तो मैं अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर लेती हूँ। तो आपको भी सेल्फ लव करना चाहिए, पार्टनर की याद आती है ना, तो नेल काट दो साइडों के, चल भाई साइड हो। ये मत सोचना कि दी को टैरो ही आता है, बहुत कुछ आता है, ब्यूटी का भी मैं बहुत कुछ करती हूँ। तो हाइट के बारे में मुझे किसी ने पूछा था, तो मैं बहुत जल्दी उनको भी बताऊंगी हाइट के बारे में, कि हाइट के लिए आप कैसे कर सकते हो। ऐसे आप करके आपने अपने तो नेल फाइल कर लेने हैं, आपने हैंड वॉश करना है। ठीक है जी, मैंने इसलिए करके बता रही हूँ कि मैं खुद करती हूँ नेल फाइल। ठीक है, मेरे तो, मैं जब नेल कटर से कट भी करती हूँ ना, तो मेरी खुद ही शेप बन जाती है, मुझे इतना ताम झाम नहीं आता है। बहुत, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सिंपल हूँ मैं, मुझे इतना ताम झाम नहीं आता है। हाँ, मुझे नेल्स पड़ाना बहुत अच्छा लगता है। फिर इसको धोकर आपने साफ़ कर लेना है, पिंक कलर का आपने लेना है। ये हो गए, बॉयज़ भी कर सकते हैं, इससे आपके हाथ कई बार थक जाते हैं ना, जो उनको भी रिलैक्स मिलता है। और यहाँ से जब हम इसकी स्किन को हटाते हैं ना, तो उससे जो हवा जाती है और इनकी ग्रोथ होती है, जैसे कि गार्डनर करता है ना गार्डनिंग, और वो क्या करता है, मिट्टी को खोदता है और खुला छोड़ देता है, वैसे सेम ऐसे इनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। फिर आपने करना है पानी गर्म, ठीक है, और अपने हाथों को देनी है स्टीम, स्टीम देनी है 5 मिनट के लिए दीजिएगा, आपने ज़्यादा ऐसे गर्म नहीं साथ करना में है, साफ करते जाना है एंड स्टीम लेते जाना है। मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, ठीक है। जब आप गर्म कर लोगे, स्टीम दे दोगे, फिर आप अपने डैब डैब करके हाथ साफ करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम, ये अब ओपन हो गई है ना, अब इसके पोर्स भी खुल गए हैं, यहाँ से तो ओपन है, तो अब हमने इसको क्या करना है, चाहे तो आप इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी फिर लगा आपने सकते क्या हैं। करना है, आपने फिर से क्रीम लगानी है,
इसको जो हमने स्टीम ली है, जो रोम खुल गए हैं, अब हमने उसके ऊपर क्रीम लगा के, हमने जब भी क्रीम लगानी है ना, तो आपने ऐसे अपने हाथों को प्रेस करना है, हाथों को दबाना है। पता है क्या है, ये हमारे हाथ भी थक जाते हैं, पैरों के साथ भी आप ऐसे कर सकते हो। और आपको चाहे तो आप ग्लव्स डाल सकते हो, अगर ग्लव्स नहीं है, जैसे समर सीज़न है तो कोई बात नहीं। तो आपने रात को ये सब करने के बाद सो जाना है, नेल पेंट नहीं लगाना है, ओके। नेक्स्ट डे आपने नेल पेंट लगाना है, और जब आप नेल पेंट भी लगा लेते हो, फिर भी आपने नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करनी है ऐसे ही, और ऐसे ही आपने इस स्किन को, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, उसको हटाना है। क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे ना, तो इसके अंदर हवा जाएगी और इसको ऑक्सीजन मिलेगी और ये ग्रो करेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, रात को इसको ये सब करने के बाद आराम से सो जाना है। नेक्स्ट डे आपने नेल पेंट लगाना है, चाहे तो 24 आवर्स का आप गैप ट्वेंटी दे फोर सकते आवर्स के बाद आप नेल पेंट लगा सकते हो। सेकंड, एक मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। दूध बॉयल करते हो ना, मम्मा ने कभी ड्यूटी लगा भी दिया है तो उसका आपने फ़ायदा उठाना है। जैसे आप दूध रखा है गैस पे, ठीक है, अब वो थोड़ा गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है, तब आपने उससे भी अपने हाथों को स्टीम देनी है, अपने नेल्स को स्टीम देनी है। जो दूध होता है ना, उससे बेस्ट जो स्टीमर कोई नहीं है। उससे जो हमें स्टीम मिलती है, मैं तो कई बार फेस की भी स्टीम उससे ले लेती हूँ, तो ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। तो आपने जब तक दूध बॉयल नहीं, ये ना हो कि इसी चक्कर में दूध बाहर आ जाए और डांट पड़ जाए मम्मा से, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूध से भी आप स्टीम ले सकते हो, ठीक है, तो उससे बेस्ट स्टीम हो ही नहीं सकती है। उससे आपके जो स्किन को और मॉइस्चराइजर मिलता है एंड और ग्रोथ होती है, और कच्चा दूध तो वैसे भी बेस्ट होता है, ठीक है। बस आपको इतना करना है और नेक्स्ट डे आपको नेल पेंट लगा लेना है। बस यही राज था मेरा नेल अपने घर में बढ़ाने का। ये जो टूट गए हैं, ये भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मेरे को सिखाते हैं कि लाइफ में लगा रहता है, कभी हम बढ़ते हैं तो कभी हम टूटते हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो एक अलग टॉपिक पे पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में इसको आपने शेयर करके मेरा हौसला और बढ़ाना है, और नए टिप लेके आऊँगी। तो आपको ये मेथड पसंद आया होगा, ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस बारी रीडिंग लेके आऊँगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।